यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया का शक्ति संतुलन गड़बड़ा गया है। रूस यूरोप में अपना पलड़ा भारी करना चाहता है और अमेरिका अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है। दो महाशक्तियों में छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई अब एनर्जी वॉर में बदल गई है। बाल्टिक सागर से होकर गुजरने वाली रूस की गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 में विस्फोट किया गया है। पाइपलाइन फटने से बाल्टिक सागर में गैस का रिसाव हो रहा है। रूस कह रहा है कि अमेरिका ने गैस पाइपलाइन में विस्फोट किया है और अमेरिका कह रहा है कि रूस ने यूरोपीय संघ पर दबाव बढ़ाने के लिए एनर्जी वॉर शुरू कर दी है। इस विस्फोट में किसका कितना फायदा, कितना नुकसान है और कैसे ये यूक्रेन रूस की जंग को नए आक्रामक दौर में पहुंचा सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। पहले टैंक, मिसाइल, तोपों से यूक्रेन पर चढ़ाई, फिर सुपरसोनिक मिसाइलों की बारी आई। रूस के आक्रमण से अमेरिका और रूस के बीच छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई अब जंग एनर्जी वॉर पर आई। यूक्रेन पर आक्रमण करने के पीछे रूस का मकसद है अपनी सीमा से सटे देशों में नेटो का विस्तार रोकना, और अमेरिका अगर यूक्रेन के साथ जंग में खड़ा है तो उसका मकसद है यूरोप में अपना वर्चस्व बढ़ाना। युद्ध का विनाश यूक्रेन झेल रहा है, लेकिन दो महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की इस लड़ाई का नुकसान पूरा यूरोप झेल रहा है। बाल्टिक सागर की सतह पर उठता बुलबुलों का यह विशालकाय घेरा रूस अमेरिका के बीच छिड़ी एनर्जी वॉर का सबूत है। समंदर के पानी को मथने वाले ये बुलबुले गैस के रिसाव से बने हैं। वही नेचुरल गैस जो रूस की आर्थिक शक्ति है, नेचुरल गैस ही वो जरूरत है जो रूस पर यूरोप की निर्भरता को बढ़ाती है, और नेचुरल गैस की इसी पाइपलाइन को ध्वस्त करके अमेरिका रूस को कमजोर करने की योजना बनाता रहा है। ये गैस रिसाव हुआ है रूस की गैस सप्लाई पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 में। रूस की नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 गैस पाइपलाइन वाइब्रोक उत्सलुगा से शुरू होकर ग्रीव्सवॉल्ड जर्मनी तक जाती है। दोनों गैस पाइपलाइन बाल्टिक सागर के तल पर बिछाई गई है। समंदर के तल पर 1000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछी हुई है। 26 सितंबर को नॉर्ड स्ट्रीम 2 में पहला रिसाव हुआ और 27 सितंबर को नॉर्ड स्ट्रीम 1 में दो जगह रिसाव देखा गया। रूस से जर्मनी तक गैस की सप्लाई के लिए बनी नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 दोनों से बाल्टिक सागर में स्वीडन और डेनमार्क के पास रिसाव की खबरें आई हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 से यूरोप को बड़ी मात्रा में गैस की सप्लाई हो रही थी, लेकिन ये सप्लाई अगस्त से बंद कर दी गई। नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनकर तैयार थी, लेकिन गैस सप्लाई शुरू नहीं हुई थी। गैस पाइपलाइन को इतना मजबूत बनाया जाता है कि वो सैकड़ों सालों तक समंदर के खारे पानी में टिकी रह सके, भूकंप के छोटे मोटे झटके झेल सके, समंदर के तल में होने वाले मडस्लाइड का सामना कर सके। तो फिर नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में रिसाव की वजह क्या है? क्या इसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA या रूसी खुफिया एजेंसी KGB की कोई रणनीति है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गैस पाइपलाइन के लिए पहला खतरा है भूकंप, जबकि भूकंप वैज्ञानिकों को सिस्मोग्राफ पर इसके निशान नहीं मिले, मतलब भूकंप आया ही नहीं। दूसरा खतरा है पनडुब्बियों का पाइपलाइन से टकरा जाना, लेकिन एक साथ 3 पनडुब्बियां एक ही पाइपलाइन पर 3 अलग अलग जगह पर टकरा जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो दुनिया के नेता भी मान रहे हैं कि ये रिसाव हुआ नहीं है बल्कि विस्फोट के जरिए गैस रिसाव किया गया है, यानी जानबूझकर गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया है। सोमवार यानी जिस दिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 में रिसाव हुआ, उस दिन नॉर्वे पेट्रोलियम सेफ्टी अथॉरिटी ने तेल कंपनियों को चेतावनी जारी की थी। दरअसल नॉर्वे के गैस प्लेटफॉर्म्स के पास अज्ञात ड्रोन देखे गए थे। गैस पाइपलाइन और पेट्रोलियम रिज पर संभावित हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मिली थी। रूस की गैस पाइपलाइन किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार नहीं हुई, बल्कि ये संकट इंसानों ने खड़ा किया है। सागर की सतह पर अचूक मार करने वाले हथियार ही पाइपलाइन में विस्फोट कर सकते हैं, इसीलिए ये माना जा रहा है कि इसके पीछे दो ही खुफिया एजेंसियां हो सकती हैं, या तो रूस की खुफिया एजेंसी KGB या फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA। पाइपलाइन में विस्फोट के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी का हाथ होने का अंदेशा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि रूस की आर्थिक ताकत नेचुरल गैस की सप्लाई है और उसकी कमर तोड़कर यूक्रेन में जंग रोकी जा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले भी कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो रूस की नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को रूस की पाइपलाइन उड़ाने का फायदा क्या होगा? यूरोप के देश रूस से सबसे ज्यादा गैस आयात करते हैं। यूरोप नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए रूस की गैस पर निर्भर करता है। अमेरिका यूरोप से रूस का दबदबा घटाना चाहता है। अमेरिका जानता है
क्योंकि यूरोप एनर्जी का बड़ा बाजार है, इसीलिए उसकी नजर यूरोप के गैस बाजार पर भी है। अमेरिका ने इसके संकेत दे दिए हैं कि गैस सप्लाई बाधित होने के बाद यूरोप में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए अमेरिका मदद देने के लिए तैयार है। बारूद से लड़ी जा रही जंग के मोर्चे से अपने अपने हित साधने की जुगत चला दी गई है। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस की खुफिया एजेंसी KGB भी पाइपलाइन विस्फोट के पीछे हो सकती है। रूस से गैस सप्लाई कम होने की वजह से जर्मनी सहित यूरोप के कई देशों में पहले ही उद्योग पर संकट छाया हुआ है। गैस की कमी से दाम बढ़े हैं और साथ ही उत्पादन की लागत बढ़ने से महंगाई है। आने वाले दिनों में यूरोप में भयंकर सर्दी शुरू हो जाएगी, तब हर घर को गर्म रखने के लिए गैस की जरूरत होगी। इसलिए माना जा रहा है कि सर्दी से पहले ही पुतिन ने ऑपरेशन विंटर शुरू कर दिया है। यूरोप को सर्दियों में बहुत ज्यादा गैस की जरूरत होती है, ऐसे में गैस सप्लाई रुकने से यूरोपीय देशों पर रूस का दबाव बढ़ेगा। यूरोपीय देशों से ही यूक्रेन को हथियारों की मदद मिलती है। रूस का मकसद दबाव बनाकर हथियारों की मदद रोकना हो सकता है। यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह से प्रतिबंध भी लगा रखे हैं, इन्हें हटवाने के लिए रूस की दबाव वाली नीति हो सकती है। रूस और अमेरिका के बीच छिड़ी लड़ाई अब तक यूक्रेन में बारूद बनकर बरसती दिख रही थी, लेकिन अब इस लड़ाई ने एनर्जी वॉर का रूप ले लिया है, जो यूरोप में भीषण आर्थिक तबाही ला सकती है।